हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमारे लेसन 3 हो चुके हैं, आज हम लेसन 4 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी एक कविता है। लेसन 4, चांद से थोड़ी सी गप्पे। इसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। अभी हम ये कविता पढ़ेंगे। एक इसमें एक 10-11 साल की लड़की है जो चांद को संबोधित कर रही है, चांद को कह रही है। वो क्या कह रही है ये अब हम इस कविता में पढ़ेंगे। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल। इसमें क्या कह रही थी लड़की, क्या कह रही है चांद को कि आप बिल्कुल गोल हैं लेकिन कभी कभी तिरछे भी नजर आते हैं, आपने सारे आकाश को पहना हुआ है। यानी कि जो आकाश है उसको क्या बताया है, चांद की पोशाक। तारो जड़ा आकाश यानी कि सितारो जड़ी पोशाक पहनी हुई है, आपने सिर्फ अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल मुंह खोला हुआ है। अभी हम इसका प्रसम गोल सरलार लिखेंगे। फर्स्ट वेरी का प्रसम, प्रसंग में क्या लिखते हैं, कवि का नाम, कविता का नाम, हमारी पुस्तक का नाम, और उस इसमें कवि ने क्या बताया है ये वस्तु, काव्यांश या पंक्तियां या पदांश कुछ भी लिख सकते हैं हम। या प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग एक से लिया गया है। इसके कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। कवि ने इसमें चांद के गोल मटोल रूप का वर्णन किया है। अभी हम इसकी व्याख्या लिखेंगे, जैसे हमने पढ़ी थी व्याख्या। इसमें एक छोटी लड़की चांद को संबोधित करती हुई क्या कह रही है कि हे चंद्रमा, आप बिल्कुल गोल हैं किंतु कभी कभी आप तिरछे भी नजर आते हैं, आपने तारों जड़ी आकाश रूपी
पोशाक पहन रखी है। कैसी पोशाक पहन रखी है? तारो जड़ी आकाश रूपी, यानी कि आकाश को, तारो जड़ी आकाश को चांद की पोशाक बताया गया है। अब ये क्या कह रही, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्ठा कोल मटोर। क्या कह रही है? आप सिर्फ अपना अपना गोरा चिट्ठा मुंह खोले हुए हैं। आप सिर्फ अपना गोरा चिट्ठा मुंह खोले हुए हैं। ये फर्स्ट पैरा हो गया। अब हम दूसरा पढ़ते हैं। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित, स्मित यानी के दिशाएं। आपने जो अपनी पोशाक है वह चारों दिशाओं में फैला रखी है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। आप कभी तिरछे नजर आते हैं, पता नहीं कैसे। खूब है गो की वाह जी वाह, गो की यानी हालांकि यद्यपि, हालांकि आप खूब हैं। हमको बुद्धू निराह ही समझा है, आपने तो हमें बुद्धू यानी के पागल समझ रखा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। हम समझते हैं आपको कोई बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस बढ़ते ही चले जाते हैं। अब छोटी लड़की चांद को क्या कह रही है कि आप हमें बुद्धू मत बनाओ, हमें पता है कि आपको कोई बीमारी है। आप जब घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और तब बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल नहीं हो जाए, और आप जब तक दम नहीं लेते जब तक आप बिल्कुल गोल नहीं हो जाते। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। अब ये क्या कह रहे कि जो ये आपकी बीमारी है यह कभी ठीक होने का नाम ही नहीं लेती, और आपके इस बीमारी की कोई दवा नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। अब हम इसकी व्याख्या लिखेंगे। सेकंड पैरे की व्याख्या। लड़की चांद को कहती है कि आपने अपनी पोशाक चारों दिशाओं में फैला रखी है। आप पता नहीं कभी कभी क्यों तिरछे नजर आते हो। आपने हमें बुद्धू रखा है। हम जानते हैं
कोई बीमारी है। जब आप बढ़ते हैं जब आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और जब आप बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। और तब तक दम नहीं लेते जब तक आप पूरी तरह गोल में हो जाएं। आपको कभी ना ठीक होने वाला रोग लगा है। यह हमारी इस कविता का सरलार्थ कंप्लीट हो गया। यह आप सभी को अपनी पेयर नोटबुक में राइट करना है और लर्न करना है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज के लिए आपका यही काम है, ठीक है।